क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में इतनी सारी रेत कहाँ से आई? आप रेगिस्तान को देखोगे तो आपको चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि रेगिस्तान में सिर्फ रेती हो, पथरीले और बर्फीले रेगिस्तान भी होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इतना ज्यादा हिस्सा रेतीला ही होता है, लेकिन रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई? रेगिस्तान रात में ठंडे और दिन में इतने गर्म क्यों होते हैं? और क्या रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इस सवाल के जवाब। दरअसल रेगिस्तान शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है कि बेकार या फिर उजाड़ी पड़ी जमीन। आपको बता दें कि रेगिस्तान में पूरे साल में 25 मीटर से भी कम बारिश होती है, तो शायद ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ दिन में बेहद गर्म होती है और रात में काफी ठंडी भी होती है। तो अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्मी से बहुत ज्यादा सर्दी या फिर सर्दी से ज्यादा गर्मी या यह कह लीजिए कि इनके तापमान को बदला जाएगा तो वह झड़ने लगता है या उसके जो कण होते हैं वह झड़ने लगते हैं। जैसे अगर किसी रेगिस्तान में बड़ी बड़ी चट्टाने हैं तो वह दिन के समय काफी ज्यादा गर्म होती है और रात के समय काफी ठंड हो जाती है और इनके तापमान में बदलाव काफी कम समय में होता है। इसी वजह से चट्टानों के कण झड़ने लगते हैं और रेत में बदल जाते हैं। इसके साथ ही रेगिस्तान में जो हवा चलती है उससे भी काफी ज्यादा घर्षण या फिर ट्रैक्शन पैदा होता है, तो इस कारण भी रेगिस्तान में जो चीज होती है वो धीरे धीरे टूटती रहती है और रेत में बदल जाती है। यही वजह है कि रेगिस्तान में इतनी सारी रेत है।